Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Here, as 2023 is approaching, I am thinking ki 2022 ke last ke do teen gine chune jo din hai to make it a little bit interesting. As a kid is at home, it's school's ka free time. So at morning I am getting up early. First of all, जॉय को जाना था सो उसके लिए हमने फ्रूट्स काटे हैं, उसके लिए सैंडविच बनाने की तैयारी की है. एंड सेकेंड, आई वॉन्ट कि 2022 के लास्ट से हम लोग कुछ अच्छा डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट करें. सो दीज आर सम कुकुम्बर स्लाइसेस प्लस दिस इज़ द पनीर, जिसको कट करके मुझे सैंडविच में बिल्कुल नहीं डालना है. पनीर की सब्ज़ी बनेगी, सोच रही हूँ साथ में कढ़ाई पनीर बना दूँ. एंड चलो अब जल्दी से पनीर को कट कर लेते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी. सो वॉट आई वॉज सेइंग इज़ कि हमें हमेशा लगता है कि जो जो काम करता है उसे लगता है वो काम इम्पॉर्टेंट है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट एवरी वन इज़ वर्किंग. कुछ लोग घर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो कहीं पे भी काम नहीं करते. बट एनी वेज, वी डोंट हैव एनी राइट टू गिव जजमेंट टू एनी वन, ऐसा मुझे लगता है. सो मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ अपना काम करती हूँ कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, यू नो, जस्ट टू मेक माई सेल्फ वेरी हैप्पी. एनी वेज, इन द मीन टाइम मैंने जल्दी से अपना हनी वाला पानी पी लिया. अब हम सैंडविच को रेडी करते हैं. सो हेयर आई एम टेकिंग वन स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड. उसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया है चीज़ स्लाइसेस आने के बाद ना चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है. यू कैन ऑल्सो यूज़ टू वो ग्रेट वाला चीज़, बट एनी वेज आई लव इट. सो वो जो सारा मैंने कुकुम्बर, तो पत्ता गोभी, बीट रूट, ऑनियन, उन सब का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो सब मैंने इसके ऊपर रख दिया और उसको मैंने हल्का सा सॉटे किया इन ऑलिव ऑयल. एक्सट्रीमली जस्ट लिटल, वो प्याज का कच्चा वाला स्मेल सुबह सुबह मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. सो एनी वेज, उसके ऊपर हमने कुकुम्बर के स्लाइसेस रख दिए. अब जो मेरा दूसरा वाला जो ब्रेड का स्लाइस आएगा उसमें मैंने हल्का सा टोमेटो केचप लगाया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं. और उसके अलावा मेरे घर में और कुछ नहीं बचा था. थोड़ी सी बहुत धनिया की चटनी थी जो कि कल रात को मैं खा गई थी. सो टेक्निकली मेरे घर में और कुछ भी नहीं बचा था, मेयोनीज़ भी नहीं बचा था. सो मैंने वो टोमेटो का केचप लगा दिया और उसको हल्का सा स्प्रेड कर देंगे. यार स्पून से स्प्रेड कर सकते हैं, बट आई नॉर्मली प्रेफर यूजिंग माई ब्यूटिफुल हैंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, तो मैंने वो ही किया. एनी वेज, वैसे बता दूँ किचन में घुसने से पहले हाथ धोना चाहिए और मैं वो चीज़ हमेशा करती हूँ क्योंकि आई नो आई एम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग माई हैंड एवरीवेयर इन कुकिंग. एनी वेज, साथ साथ हमने पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे तो भी कर रही हूँ. देखो यार, आप लोगों की लड़की ना काम बहुत करती है, किसी को कदर नहीं है पर मैं काम बहुत करती हूँ. ओके, ऐसा मैं मान के चलती हूँ एंड दैट्स वाई आई एम ऑलवेज हैप्पी अबाउट इट. आप लोग मुझसे पूछते हो ना वाई यू आर हैप्पी, क्योंकि मुझे किसी और के बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद को अच्छा बोल देती हूँ. ओके, सो ये सब स्लाइस वाइज भर के हल्का सा रोस्ट कर लिया एंड माय ब्रेकफास्ट प्लेटर इज रेडी. गाइस देखो यार क्या यम्मी कलर आया है, यू नो आई एम अ गुड कुक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.